जय हिंद बिहार एसआई के साथियों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आप लोगों का जो है डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट आ गया है, साथ साथ जो है आप लोगों का ज्वाइनिंग डेट भी कंफर्म हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट वाली बात है। अब जो है आप 100% जो है आप जो है पुलिस परिवार का हिस्सा बन चुके हो। तो अब जो है आप पुलिस की तरह सोचो, क्योंकि बहुत ऐसे लड़के हैं, लोग हैं जो YouTube पे आते हैं और कुछ कुछ कमेंट करके चले जाते हैं। पता नहीं वे लोग वीडियो से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ऐसे लोगों का जो है IQ लेवल वाकई में काफ़ी ज़्यादा छोटा है। हमको ये समझ में नहीं आता है कि जब उनको कोई मतलब ही नहीं रहता वीडियो से, तो वे वीडियो क्यों देखते हैं। आखिर उनको ज़रूरी रहता तभी तो वे लोग वीडियो ऐसे सर्च करते हैं, देखते हैं। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि यार तुम लोग पैसा कमाने के लिए YouTube पे आ जाते हो। तो देखो भाई, तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारा जो नॉलेज है बहुत छोटा है, क्योंकि YouTube पे पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वीडियो बना के अपलोड कर दो, पैसा कमा लोगे, तो इतना आसान नहीं है। एक बार थोड़ा आप सर्च करके देखो कि क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से पैसा कमाया जाता है, तब समझ में आएगा। और ये सब हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा कुछ कमेंट और साथ साथ जो है अब आप जो है पूरी तरह से जो है पुलिस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। तो आने वाले समय में जो है सब लोग एक दूसरे से मिल के ही जो है काम करते हैं, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर सबको मिलना ही है एक दूसरे से, ठीक है। तो चलिए छोड़िए, आज का जो मुद्दा है हम लोगों का, आप लोगों का जो है आगे का प्रोसेस है क्या होने वाला है, इसमें आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटी बड़ी चीज़ें हैं और आप लोगों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रहा है इससे रिगार्डिंग, ठीक है। तो उसी के बारे में हम लोग विशेष करके बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो काफ़ी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगा और लगभग हर किसी को ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट का लिस्ट आया है, तो आप लोगों का जो है ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिलेगा, ठीक है। मतलब शपथ पत्र जो है आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा, इसके बारे में सबसे पहले जानना जरूरी है। और इस क्वेश्चन का जवाब सुनिए, देखिए आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है आपके DIG रेंज में मिलेगा। जो भी आपका रेंज है वहाँ पे आपका ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और ये 10 से 30 के बीच में एक्सपेक्टेड है। मतलब कि 10 से 30 के बीच में आपको कभी भी आपके DIG रेंज के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा और वहीं पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा। हर एक आदमी को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपका जिस जिला में ज्वाइनिंग है उस जिला में कब जाके ज्वाइनिंग करना है, ठीक है। तो ये जो है जिस जिला में आपका ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे जितने सारे DIG रेंज है वहाँ से लड़के जाएंगे। सिर्फ आप ही के रेंज से लड़के नहीं जाएंगे, मतलब कहने का मतलब ये है जहाँ आपका रेंज है उसी रेंज से लड़के नहीं जाएंगे। फिर रेंज है बिहार में, हर रेंज से जो लड़के हैं वहाँ पे ज्वाइनिंग करने के लिए उस जिला में जाएंगे। तो ये जो डिपेंड करता है आपके DIG रेंज पे डिपेंड करता है कि आपके जो है DIG साहब कब आपको नियुक्ति पत्र दे रहा है। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद से जो है आपका जो आगे का काम है, सारा काम है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, कुछ छोटी बड़ी चीज़ें आपको लेके जाना होगा। वहाँ पे आपको जहाँ आपकी व्यवस्था होगी वहाँ आपके वो रहना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे जो है कुछ छोटी बड़ी व्यवहारिक प्रशिक्षण किया जाता है, जैसे कि आपका अकाउंट खुलवाना, वर्दी बनवाना, ठीक है। इसके साथ साथ जो है आपका नियुक्ति पत्र से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड तमाम सारी चीज़ें होती है, उस पर काम करना। मतलब आप जो है विभाग का पार्ट बने हैं तो विभाग का भी कुछ अपना दायित्व होता है कि आपको जो है विभाग का 100% बनाया जाए। तो उसके लिए बहुत सारा काम होता है, कागजी कार्रवाई होता है, तो वो सारी प्रक्रिया आपके जिला में होगी, ठीक। तो ये जो है आपका जिला में जाइएगा तो वहाँ पर ये सब काम भी होगा और साथ साथ जो है आपका जो है ड्यूटी भी चलता रहेगा। जहाँ भी ड्यूटी की ज़रूरत पड़ेगी, मांग आएगी, तो वहाँ आपका ड्यूटी भी चलता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि आपका जो है नियुक्ति पत्र कहाँ मिलेगा और आपको जो है कहाँ पे जाना है, ठीक। तो DIG रेंज से आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा, फिर उसके बाद से जो है आप जिला में जाइए, वहाँ पे भी जो है आपको एक लेटर मिलेगा आपका जहाँ ज्वाइनिंग होगा वहाँ से भी। तो ऐसे तो आपका नियुक्ति पत्र जो है आपका रेंज से मिलेगा, लेकिन जो है एक और लेटर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट से मिलेगा। वहाँ पे आप कुछ दिन रहिएगा, फिर उसके बाद से जो है आपका ट्रेनिंग का जो लिस्ट निकलेगा सभी लोगों को सामूहिक रूप से जो है ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा जाएगा, मतलब कि ट्रेनिंग एकेडमी पर आप लोगों को भेजा जाएगा, ठीक। और उसके बीच में जो है आप लोगों को ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये जो है सबसे स्ट्रॉन्ग सवाल था, इसमें ज़्यादा लोग कंफ्यूज थे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा सीनियर जूनियर को लेके कि सर 10 से 30 के बीच में ज्वाइनिंग जो है एक्सपेक्टेड किया गया है, तो इसमें जो है ज्वाइनिंग कब ले, सीनियर जूनियर का क्या मसला है। तो देखिए आप जो है कभी भी ज्वाइनिंग लीजिए, इसमें सीनियर जूनियर कोई होने वाला नहीं है, ठीक है। सीनियर जूनियर का जो भी चीज़ डिसाइड होता है आपके काम पे, आपके परफॉर्मेंस पे डिसाइड होता है। और साथ साथ जो है आप जब एकेडमी में जाइएगा तो वहाँ पे जो ट्रेनिंग में जो आपका मेंस का और PT का रिजल्ट होता है उस पे डिसाइड होता है।
बस एक चीज़ आपको फ़ायदा होगा, जितना जल्दी आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा उतना जल्दी आपका सैलरी बनना चालू हो जाएगा। मतलब जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला उस दिन से आपका सैलरी बनना फिक्स, ठीक है। तो ज्वाइनिंग लेटर तो आपके हाथ में है नहीं, जब भी आपके DIG महोदय जो हैं आपके रेंज के जब आपको बुलाएं कि आइए भाई लोग आप लोग जो है अपना नियुक्ति पत्र ले लें, तब आपको जाना पड़ेगा। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी आप ज्वाइन करें, एक दो दिन आगे पीछे होगा, फिर सबका जो है नेक्स्ट मंथ से सैलरी समान हो जाता है, मतलब सैलरी जो है समान समय पर मिलने लगता है। सीनियर जूनियर का यही सीन है, सीनियर जूनियर जो है आपके ज्वाइनिंग पर डिपेंड नहीं होगा, आपका जो है काम जो आप काम करिएगा अगर कहीं आपका लिखा पढ़ी हो जाता है तो उसमें भी जो है आपका सीनियरिटी जूनियरिटी गड़बड़ा जाता है, मतलब कि जब भी आपका प्रमोशन होगा उस टाइम आपका कैरेक्टर भी देखा जाता है। इससे रिलेटेड जो है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ कि सीनियर जूनियर आपका कैसे देखा जाता है, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, उससे आपका जो है और ज़्यादा क्लियर हो। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, आप जाइएगा जहाँ भी आपका ज्वाइनिंग होगा, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको भेजा जाएगा वहाँ पर जाइएगा तो आप जो है अपना डेली यूजेज का सामान ज़रूर लेके जाइएगा, ये नहीं कि बस ऐसे ही चल दिए, डेली यूजेस का जो भी सामान है वो लेके जाइएगा। और वर्दी का भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि सर वर्दी बनवा लें कि क्या करें, तो देखो भाई वर्दी आप बनवा भी सकते हो नहीं भी बनवा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया कि जब वहाँ पर अपने ज़िला में जाइएगा तो यही सब काम होता है, वर्दी बनवाना, अकाउंट खुलवाना, NPS बनवाना, ठीक है। कुछ लोगों का अकाउंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा, तो अकाउंट आप SBI का चाहें तो खुलवा सकते हैं या वहाँ भी जाके खुलवा सकते हैं, यही सब आपका काम होने वाला है, ठीक। तो कुछ भी जो है आप अभी भी कर सकते हैं, और वहाँ भी जाइएगा तो नहीं होगा तो सब करना ही है, वहीं है कि थोड़ा आगे थोड़ा पीछे सबका काम होगा, किसी का काम भाई रुकने वाला नहीं है, सब कुछ अब होने वाला है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। कुछ भाइयों का कमेंट आ रहा ट्रांसफ़र कब होगा सर, हमारा बहुत दूर दे दिया है, तो देखो भाई घबराओ मत यार, दूर दे दिया है बिहार में ही तो हो, हमको देखो यार हम बिहार से UP में आए हैं ड्यूटी करने, तो भाई आप लोग तो जो है बिहार में हो ना, अपने घर के पास ही हो, अपने समझो बिहार तो अपना घर है, अगर छोड़ा देश में हो अपने यार कहाँ दूर हो, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। खैर मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब भी आपका कहीं नए जगह पर जाता है आदमी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो थोड़ी बहुत परेशानी आती है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग दोस्त यार बन जाएंगे, सबको लगेगा कि अपना घर है, और घर से भी ज़्यादा मज़ा आएगा। मैं इसको ऐसे बोल रहा हूँ, घर से ज़्यादा तो खैर कहीं मज़ा नहीं आता है, लेकिन वाकई में आप इस चीज़ को फील करिएगा कि घर से ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपका जो है एक शेड्यूल फिक्स हो जाएगा और अच्छे से टाइम कटेगा, ठीक। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि हमको इतना दूर भेज दिया है उतना दूर भेज दिया है, तो एक चीज़ जान लो, घर पूछे हो तो जान लो कि जो है आपका ट्रांसफ़र जो है आपका जो रेंज है, रेंज में जो है आप लगभग 5-7 साल तक तो लगभग मिनिमम रहिएगा, और ज़िला की बात करें तो ज़िला में जो है आप 5 साल मिनिमम रहिएगा, मतलब कि 5 साल के बाद जो है आपका इधर उधर ट्रांसफ़र आप चाहें तो करवा सकते हैं, ऐसे ही आपका ट्रांसफ़र होने लगता है 5 साल बाद, तो 5 साल तो आपको रहना है। पहले तो आपको ट्रेनिंग पर जाना है, पहले तो उस ज़िला में जाइएगा, आपका जो भी व्यवहारिक कार्रवाई है सब किया जाएगा, फिर उसके बाद से आपका ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के बाद जो है उसी ज़िला में आपका पोस्टिंग होगा, ठीक। तो इस सब चीज़ को आप लोग क्लियर करते जाइए, ठीक है। देखिए अभी कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिला है वो डिस्ट्रिक्ट क्या चेंज होगा, देखिए ऐसे ही अब कोई संभावना नहीं है, आपका जो है जहाँ डिस्ट्रिक्ट मिला है सबको वहीं जाना होगा, और चेंज करने के बारे में सोचना भी मत, ठीक है, इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं है और चेंज इसका बिल्कुल नहीं होगा, जहाँ भी जिसको मिला है वहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना भी मत, और इसमें कोई आपको परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, तो परेशान भी नहीं होना है, जहाँ जिसको भेजा जा रहा वहाँ पर जाए, ठीक। और देखिए इस बार एक चीज़ और देखने को मिला है कि कुछ लोगों को CID में भेजा है, कुछ लोगों को रेल पुलिस में भेजा है, कुछ लोगों को जिला पुलिस में भेजा है, तो इसको लेके परेशान नहीं होना है, सब जो है बिहार पुलिस का ही अंग है। जहाँ भी आपको भेजा है वहाँ पे आप जाइए, आपका ड्यूटी जो होगा थाने में होगा, लेकिन वही है कि जैसे कि आपको रेलवे में भेजा है तो जो GRP का थाना होता है, आप लोगों को पता है कि GRP हर स्टेट में GRP होती है, मतलब कि स्टेट की रेलवे पुलिस होती है, तो वहाँ पे जो है आपका पोस्टिंग होगा, मतलब कि आपका जितना सारा ड्यूटी होगा रेलवे का ड्यूटी होगा, जैसे कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे, रेलवे स्टेशन पे जो भी सारा घटना दुर्घटना होगा उससे रिलेटेड की कार्रवाई जो है लोग करेंगे, और ये जो है काफ़ी बेहतर पोस्ट है, मतलब कि यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा काम भी नहीं रहता, कम रहता है, क्योंकि आप जो है इसमें पब्लिक से उतना इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जो भी घटना होगा स्टेशन पे होगा उसी से रिलेटेड जो है आपको कार्रवाई देखना है और काम करना है, बाकी जो जिला पुलिस वाले होंगे उनको तो पूरा ज़िला का देखना है, जहाँ पे उनका थाना होगा थाना क्षेत्र का पूरा काम देखना है, ठीक। CID वाले को तो पता ही है, CID से रिलेटेड उन लोगों का काम होगा, तो इस तरह की छोटी बड़ी चीज़ें हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, और आपको कहीं भी भेजा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह जाना है आपको सेम काम करना है, वहीं के थोड़ा बहुत आपको क्षेत्र हो अलग हो जाएगा और स्पेसिफाइड जगह पे जो है आपको काम करना होगा, बस और कुछ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है।
बाकी जो रेलवे है वो लड़कियों के लिए काफ़ी बेस्ट है, अगर जिन लड़की का जो है पोस्टिंग पहली बार रेलवे में किया गया है, रेलवे विभाग में किया गया है, तो बहुत बढ़िया है, जीआरपी बहुत बढ़िया है लड़कियों के लिए, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ पे आप लोगों को सहूलियत मिलेगी और फर्स्ट बार ड्यूटी करने में भी अच्छा लगेगा। ऐसे सारा चीज़ मस्त है, कोई दिक्कत कहीं भी किसी को होने वाले नहीं है, सब लोग जाएंगे ढल जाएंगे। ट्रेनिंग में आपको जो है सब कुछ सिखा दिया जाएगा, ट्रेनिंग इसीलिए लिया जाता है, हर चीज़ के लिए आपको जो है आपको मजबूत कर दिया जाएगा। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है कि हमको यहाँ भेज दिया है, वहाँ भेज दिया है, इतना दूर भेज दिया है, कहीं भी आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बिल्कुल आप ढल जाइएगा हर एक तरह से। यही सब सारी चीज़ें हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग सब कुछ का मैंने जवाब दे दिया है, जो भी आपका क्वेश्चन था और साथ साथ जो भी पॉसिबिलिटी होगा आगे वो सब कुछ मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा तो उसको ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या साथ साथ जो है आप टेलीग्राम पर भी आके पूछ सकते हैं। और ऐसे भी जो है आप लोग पुलिस परिवार का हिस्सा हो चुके हैं तो आप कुछ भी कोई भी चीज़ को आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।